हस्तिना में जाके पहुंचे और विदुर भक्त चल के धृतराज जंधा ले बोले, आओ भैया एक बात कहूं, यह समय पांचों भाई पांडव द्रौपदी सहित माता कुंती पधारे हैं। राज में अनेक प्रकार के भेरी और नंगारा संग के धुन बाजा सवे भैया आदर सत्कार पुरुष है कभी का क्रोशे अनर्थ ना करीन। अरे द्रौपदी के चीरहरण तोर बेटा कराइन, लाग के भवन में आगुनी लगाइन, पुत्र अभिमन्युला भेड़िया के तरह कुचल कुचल के मरवाइन। पर पांडव के पांडव ऐसे कोई दशा ना करीन जमे की तोला दर्द दुख सोचा था ना। दुशासन के भुजा ला खड़ंग में नहीं काट के, हाँ मड़ोर के भुजा ला उखाड़ के फेंके, हाँ भाई और छाती ले फाड़ के खून और रक्त ला द्रौपदी के बदन में लगे, हाँ ऐसे तोर मन में दुखी होवत हो ही नहीं गंधारी। हाँ। तो देवी द्रौपदी लगे दरबार में जब नग्न करे बर तैयारी करी सो शब्द धर्मराज के निका का बताओ बेटी मोर कहे ना ला माना है। दुखी मनाना शोभा नहीं है। नगर हतने के अधिकार दीपक जलाने वाले कम से कम पाजन तोर बेटा तो है, कभी पांडव मन अत्याचारी अनर्थ नहीं करी, सदा धर्म के रक्षा करी। जेकर रक्षा में दीन दया के सागर मुरलीधर के नहीं आए, गलती उकर नहीं गलती तोर बेटा की, धीरे धर ले बेटी। भाई मोर कहना ला मान ले विदुर भक्त समय दीन दयाल दया के सागर मुरलीधर कन्हैया पांचों भाई पांडव द्रौपदी सहित कुंती ला लेके दरबार हो। अब दरबार में पहुंचा दिन, तब के दारी ओकर तो शरीर है जलत रहे, कृष्ण के तरफ देखते हुए अंदाज लगाते हुए कहे, हे मोहन हे गिरधारी मैं आज कहीं हूँ, पुत्र के मारे महान दुखी हूँ, पर इन बेटों से मिलना है मुझे, तो पांचों भाई आके प्रणाम भूल के ना करें। यदि मैं ये तो अंदाजा लगा लूं कि मेरे सौ सौ जने पुत्र मारने वाले मेरे पांडव
देखो पांडवों के भुजा में कितनी ताकत है, कितनी जोश है, कितनी शक्ति है, ये तो है। श्री कृष्ण जी श्री कृष्ण कहे बाप रे बाप, धृतराष्ट्र के शरीर में अंगार वर्षत है, अंगार जब भीम मिले मर चले तो भगवान कहे ठहर जा, रुक जा मोर भाई, रुक जा मोर भाई, अंधा आग बबूला शरीर का पथ भैया, पिता के पास में जा पुचुर पुचुर मत करो, नहीं तो जात रहूं। भगवान के बात लसुन के पांडव मन चुपचाप खड़े रहे और इशारा में कहे तय नहीं ओ जहा वो। तो भीम बोले ए लोहा वही तो भीम से नहीं, भीम रूपी एक लोहा के मूर्ति बनाए रहे और भीम से धीरे धीरे ढुलावा जब चले तो अंधा के तो आंख दिखे नहीं, आ बेटा भीम आ मोर गले लग जा, बड़ा प्यार से बोलत रहे। पर भीम सेल जब वो मूर्ति लाया धृतराष्ट्र के सामने टिकाई, मिले के बहाना जब दबाई तो चूरा चूर, जय हो या केसर, धिक्कार है मोर जिंदगी में, सौ सौ झंड बेटा ले तो डुबाए तो डुबाए, पर हे पांडू तोरो पुत्र ल मैं अपन हाथ से चुरा चुर कर डरे हो। जब रोना शुरू करे तो दीन दयाल दया के सागर कहे हे राजन आप प्रथा रो रहे हैं, जिन पांडवों के लिए आप दुखी मना रहे वो भीमसेन आपके सामने, तो रीता कहे बोले मोहन आप तो सदा झूठ बोलते हो, अभी भी आप झूठ बोलने जा रहे हो। कृष्ण कहे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हकीकत है। तो भीमसेन कहे पिताजी जब इतने त्योहार तुम्हारे मन में क्रोध और गुस्सा है तो मैं आगे आ जाता हूँ आपके पास, आप मुझे मार कर आपकी शरीर यदि शांति हो सकती है तो मैं हाजिर हूं। देख भीमसेन की बोली धृतराष्ट्र के मन में एक प्रेम उत्पन्न है। हाँ बेटा गले लगावे खीरी दे में बसावे, देह विशाल धनाये दया मोरा सागर का। आप लोगों के पास में तो दया धर्म है, प्रेम और भावना है, ये किसी के पास नहीं बेटा, किसी के पास नहीं। धृतराज जी बड़ा प्रेम के साथ गले लगावे और धर्म राज राज के अधिकार देवा थवे जय हो। Oh,
में डंका बजत रहे। नर नारी के मन में वही भावना जगे रहे कि धर्मराज जैसे राजा पाना हमर मन के बहुत भाग्य ऊंचा। ये तो सब कहे, सब के सब अपन अपन घर जब पहुंचे तो धर्मराज चिंता में डूबे रहे। चिंता कहे की काकिदाई, सौ सौ जने बेटा गंधारी के मर गए, साथ में अपन पुत्र ला डुबा डाले हूं। माता जरा से झुक जाने के बाद कर्ण जैसे बड़े भाई ला मार डाले हो। ये शहर, ये नगर, ये देश के जितने भी छोटे बड़े राजा महाराजा था वो सब मेरे खाती मारा गया। ये राज, ये पाठ, ये धन, ये संपत्ति, सब ये माया है, इन जैसा जाल में फंस कर मैंने क्या किया, इन जैसे पापों से मुक्त कैसे हूं। ये पाप के बोझ में मैं तो दबे जा रहा हूं। हाँ भाई, मुझे कुछ नहीं सूझता, मैं करूं तो करूं क्या, इससे ये प्राण त्याग देना ही उचित है। या दशा देख कुंती गंधारी, विदुर भक्त धर्मराज ले अनेक प्रकार के धीरज धरावे, पर धर्म के आंख में जो आंसू बहत रहे वो रुक न पावे, शरीर के उदासता जला के नाश करत रहे, वह दशा देखने वाले व्यास जी धर्मराज के पास। हाथी जोड़ा पीने तो व्यास जी हंस के बोले, धर्मराज आपके जो चिंता है ना, वो चिंता तो मुझे इतने डरावना थी कि मैं वो चिंता रूपी डरावना को देखकर आपके पास चले आया हूँ। बोले क्यों, कौन सी बात डरावना, आप यदि अपना प्राण, हाँ आप ही बताइए पिताजी, कुटुंब परिवार भाई बंधु सर्व सेना ले नाश करके ये जीना भी कोई जीना है, ये राज भी कोई राज है, इससे तो मर जाना ही उचित है, यही तो मैंने विचार किया, वही समय दीन दयाल दया के सागर मुरलीधर कन्हैया मुस्कुरा। जय हो या धर्मी तो उपाय होगा।
है? ओ हाँ है। यदि श्री रामचंद्र जी जन्म लेके अत्याचारी को मार के अपने पाप के साथ मुक्त कराना रहीन तो यज्ञ होमन धर्म ये सारा चीज से मुक्त हो सकते हैं। यदि धर्मराज वही मुताबिक अश्वमेध यज्ञ कर दे तो ये अश्वमेध यज्ञ करने के बाद धर्मराज के सारी पापों से मुक्त हो जाओ। शंकर जी बैठे रहे कैलाश पर। हाँ। श्री कृष्ण और व्यास के बात सुन के शंकर जी गदगद हो गए। अच्छा? और खुशी मना के कहे जय हो कन्हैया की जय हो। पार्वती कहे भोला ए भोला अरे का हो गए तोला का बताऊ देवी। आज की कहानी सुनकर मैं अत्यंत खुश हूँ। अश्वमेध यज्ञ होने वाला है, निमंत्रण हमें भी मिलेंगे पार्वती। लड़ाई में नहीं मिली तो मत मिले, पर अश्वमेध यज्ञ में तो अवश्य मिलेंगे। यही कारण है कहने लगे हे धर्मराज सबसे कठिनाई सबसे अधिक कठिनाई कष्टदायक दुखदायक अश्वमेध यज्ञ में कच्चा सोना की जरूरत पड़ता है भाई। का हाँ यदि कच्चा सोना मिल जाए तो वही सोना के पत्र में लिखकर घोड़े के माथ में बांध के या अश्वज्ञ अश्व घोड़ा को छोड़ा जाता है। धर्मराज कहे हे कन्हैया हे ब्यास जी सारा काम तो हो जाएंगे पर ये कच्चा सोना कहीं नहीं मिल पाएंगे। हरि के सुमीरा हरि के हरि के भाई जब सभी धनु उदास हुए तो अर्जुन गांडी धनुष ले उठा कर कहने लगे हे ब्यास जी आप मुझे ऐसे संकेत बता दो ताकि मैं जाऊं। का बताऊं बेटा का बताऊं भैया
सुना था कि हनुमान जी ने जलाया जलाया, पर जल जाने वाला सोना तो पक जाएंगे। नहीं नहीं, जब वो छलांग मार के उड़ रहे थे वह समय कंगूरा में हाथ लग गए। अरे लगे कंगूरा में हाथ लगा तू तो गिरे रे, अरे समुद्र में पड़े है। ओला ले रावा जी काहे समय बड़ा से भी निकले रहे। अच्छा, मैं से मन व्यापक बांध छोड़ हूं ताकि पानी के भीतरी लगोता लगा के मोर बांध है सोना निकाल ले। ये है तो बाया हाथ के खेले कन्हैया, एकर बर सबो झल्ला डरवा के रख देस। अरे मैं जाऊं अभी पकड़ के ले आऊं ते का बात करते। भगवान कहते ठीक है ठीक है, जा भाई तुम्हारे मन के घर घर के बात ना, मैं अड़ंगा डालने वाला होता हूँ कौन है नहीं। ले जा 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 पता लगा के आ जा। अर्जुन चली लखी देखे पता लगा खो जाता वे भैया रास्ता नहीं दिखा। जब चले कोनो ला देखे नहीं ला कोनो ला पूछे नहीं। और वीर बजरंग बली कहते हैं कहाँ चले, कहाँ जा रहा हूँ, मेरे को पूछे हो। हाँ अर्जुन कहते ते को नश मोर पूछिया, मैं कहूँ आऊँ कहूँ जाऊँ कहीं घुमाऊँ का घूमना मना है का। नहीं नहीं नहीं, ये रास्ता में जाना ठीक नहीं है। बोले काबर, अरे ये रास्ता के रखवारी तो मैं करूं। लगाए बैठे हैं का ऐसे संपत्ति यहाँ पड़े है तेकर ते रखवारी करत बैठे हस। अरे यहाँ मोर फेंके हुए कच्चा सोना है। अच्छा ओ अच्छा, पता मिल गया यही है। तब के दारी कथे तो ते कौन होता है जब हम अपन बांध चलाबो और कोने में लपट के लेबो। मैं तो ला लान देऊ ना यहाँ बांध चलान दे। बड़ा बांध चलैया आगे बड़ा पुचुर पुचुर कर रहे राजाओं की। हाँ भाई, अतेक दिन के रखवारी कर रहा तो मैं यहाँ बेकार बैठे हूँ का। अर्जुन कहते बेंद्रा मुंह संभाल के बात कर। हाँ भाई, ठीक नहीं हो। वही राम 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 की के चिल्लावत है।
अरे वही राम है जो याद कर, छोटे छोटे बेंद्रा के हाथ में बड़े बड़े पत्थर डोहरा है और तुम्हारे मुंड में चली ध्यान लगा समझ के ना, नर और नारायण हम दोनों जन्म ले हाँ। वो समय यदि मैं रहते होता एक बखत बांध चलाते हो ऐसा सुंदर पुलिया बनाते तो तुम्हारे मन के पूरा परवान लगा देते। राम राम चिल्ला जय राम राम चिल्ला थे वही राम के गुनगा थस ना कैसे हनुमान के थे अतिक तोर पास शक्ति है बोले हाँ भाई एक बात सुन लड़ाई करे में कोई फायदा नहीं हुआ हाँ। ते हाँ ये संयोजन दूरी समुद्र है एला बाने बान के पुलिया बना देवे बोले हाँ ते हाँ पुलिया बनाबे और एक कोठन सेना ला नहीं लावा अर्जुन मैं एक के धन पार लगे हाँ भाई यदि तोर पुलिया अतेक मजबूत बनाबे ना और मोर भार ला सही ली मोर चलना ला तो मैं मान जाऊ जी मोर हार है हाँ। मैं निकाल के सोना ला अर्जुन कथे ए हनुमान हनुमानों के थे मैं तो हनुमान कहा था मारो बान बोला लगा बान अर्जुन पहली के तो बेचारा है सबासी और बड़ाई लड़ाई जीते हन की के घमंड रही से कही डर और घमंड ला टोरे खाती श्री कृष्ण जी अर्जुन ला सोना लाए भर भेजे रे अर्जुन गुस्सा के मारे खींचे कर बाना जरा कोई नहीं एक ही भगवान है दूसरा हम कहां
डर लागत रे बली दूसरा पैर उठा नहीं सकी। ये कि पैर में भगवान कछुआ रूपी ईश्वर के मुंह से जब खून के धार फेंके तो रंगो रंग हो गए पानी। वीर बजरंग बली जान गए कि हे भगवान आपके अलावा दूजा कोई नहीं जो मेरा भार ले ले। अपने भक्त अर्जुन को बचाने के लिए, अपने भक्त अर्जुन को ऊपर उठाने के लिए आपने कछुआ रूप धारण कर लिया। ये तो बड़ा अनर्थ है, बहुत अनर्थ हो गया प्रभु। आपके ऊपर में मैं एक पैर रख दिए, कितना बड़ा अनर्थ किया। नहीं जो कि मेरे भार आप सह सको, ईश्वर आपके अलावा दूजा कोई नहीं। हे श्री राम मुझे दया कीजिए, मेरे लिए दया कीजिए, मैंने बहुत अनर्थ किया। तो राम नहीं श्री कृष्ण जी वहां से तैयार हुए। कृष्ण के रूप देखकर ये अर्जुन पागल की तरह दौड़ पड़े, हे कन्हैया मेरे लिए आप अपने रूप छोड़कर ये कछुआ के रूप धारण किए थे, मैंने कितना अनर्थ किया प्रभु। हे भगवान मैंने क्या किया। अरे वही एक ही भगवान के चरण अर्जुन पकड़े रहे और बजरंग बली कहे हे दीन दयाल आप तो संसार चलाने वाला हो, हम जैसे तुच्छ सन्यासी को मैं इस रूप में आपके सेवा नहीं किया हूं प्रभु। जो रूप में मैंने सेवा किया मुझे वही रूप के दर्शन दिखा दो। एक चरण न पकड़े रहे तो श्री राम दिखाई दे और दूसरा चरण न पकड़े अर्जुन तो श्री कृष्ण दिखाई दे। भाई जय हो या मोहन तारा जय लिया तो आपके सहारा लिया। जब मैं कृष्ण अवतार लिए कंस मारने के लिए तो बाल धरी अर्जुन के सहारा।
को आवे। अरे दोनों भक्त मेरा दूसरा नहीं, मोर दोनों आंखों के तारा हूँ। और जब जब मैं जन्म लेता हूँ तब तब आप जैसे भक्त को मुझे सहारा लेना पड़ता है, इसलिए दोनों के दर्द मेरे ही दर्द है। और अर्जुन की जीत कहो कि अर्जुन की हार कहो, ये आपके हाथ में है बजरंगबली, मेरे भी नहीं, क्योंकि मैं भक्त को नीचे नीचे गिरते हुए नहीं देख सकता। समझ आ गए? हाँ हाँ नहीं यहाँ मैं अर्जुन के एक 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 चीजों के लिए मैं खुद ही काम आऊंगा। ये कहकर बजरंगबली उठाओ कच्चा सोना प्रभु दीन दयाल सदा दया के साधन भगत के रक्षा राम आप किए हो के कहे प्रभु जय हो और मुरली में जादू तोर मुरली में जादू तोर बंसी में जादू तोर मुरली में जादू तोर बंसी में जादू।